नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे मटर आलू की सब्जी। पांच छह उबले हुए आलू चाहिए, आधी कटोरी मटर चाहिए, एक बारीक कटा हुआ टमाटर चाहिए, तीन चार हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, चार चम्मच सरसों का तेल चाहिए, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ बारीक चाहिए, इसे 3 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चिटकी राई, आधी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। चलिए फ्रेंड्स, हमने गैस ऑन कर लिया, कढ़ाई रख दी है। देख, आगे के प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, देखिए। 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे हम, 4 से 5 चम्मच इसमें देखिए हम ले रहे हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, तेल हमारा लगभग गर्म हो रहा है, इसमें हमने तेज पत्ते डाल दिए, ये गर्म मसाला जो हमने लिया था थोड़ा सा वो डाल रहे हैं। देखिए आप, इसमें हमने जो राई लिया था एक चिटकी उसको डाल देंगे। देखिए, राई जब चटकने लगेगा तो हम डालेंगे इसमें हरा मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ है हमने लिया है। चलिए फ्रेंड्स, राई चटकने लगी, इसे हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको 5 सेकेंड ही भूनेंगे, इसका सिर्फ कच्चापन दूर करेंगे। हो गया, हम प्याज भी ऐड कर देंगे, देखिए इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसको आधे मिनट भूनेंगे और इसमें हम मटर ऐड कर लेंगे। लगभग आधे मिनट होने वाले हैं हमारे, प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। चलते हम इसमें मटर ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है आपको, इसे हम भूनेंगे। इसे हम ढक देते हैं फ्रेंड, आधे मिनट हो गए, देखते हैं हमारी सब्जी कितनी पकी है। ये देखिए हमारी सब्जी पक रही है, अच्छे से भुन रहा है, प्याज गल रहा है। इसको और ढक के आधे मिनट भून लेते हैं हम। आधे मिनट हो गए, पूरे मिला के 1 मिनट हो गए। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से लाल हो रहे हैं। चलते हैं मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 सेकेंड भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे अदरक लहसुन का। बाकी मसाले हम ऐड कर देते हैं। ये धनिया पाउडर आधी चम्मच, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, ये गोल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, ये आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने ऐड कर दिया, ये हल्दी पाउडर ऐड कर दिया हमने, ये बारीक कटा हुआ एक टमाटर हम ऐड कर रहे हैं। देखिए इसमें हम आधी आधी कप ही पानी लेंगे, इसमें आधी कप पानी डालेंगे। इसे हम ढक देंगे मिक्स करके, देखिए हम ढक रहे हैं। आधे मिनट हो गए, देखते हैं हमारी सब्जी कितनी पकी है। ये देखिए टमाटर गल रहे हैं, पक रहे हैं अच्छे से, और ढक देते हैं हम इसके। सब्जी हमारे मसाले हमारे पक रहे, तब तक हम आलू को छील लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको आलू को ऐसे ही करके छीलने, जैसे मैं छील रही हूँ, छिलके उतार के इसे 4 भागों में काटने हैं आपको, 4 से 6 भागों में काटने हैं। देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, ऐसे आपको पूरे आलू को काटने हैं। चलिए फ्रेंड्स, 1.5-2 मिनट हो गए, देखते हैं हमारे मसाले कितने पके हैं। ये देखिए हमारे मसाले पक रहे हैं अच्छे से, तेल छोड़ने लगा है। आधे मिनट हम और इसे पका लेते हैं ढक के इसे। चलिए फ्रेंड्स, आधे मिनट हो गए, देखते हैं हमारी सब्जी कितनी पकी है। पूरे अच्छे से पक गए, मसाले भुन गए हैं। देखिए इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, ये हम आलू ऐड कर रहे हैं इसमें, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, हमने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से।
इसे थोड़ा सा चला लेंगे हम सब्जी को, इसमें हम पानी अब ऐड करेंगे। आधे गिलास हम पानी इसमें ऐड कर दिए, आधे गिलास इसे ढक देंगे हम, एक उबाल आने देंगे, एक मिनट हो गया है। देखते हैं हमारी सब्जी में कितने उबाल आए। देखिए सब्जी अच्छे से पक गया है, सब्जी में बढ़िया उबाल आ गए। देखिए अब हम यहाँ गैस ऑफ कर देंगे, हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है, ग्रेवी वाली सब्जी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय फ्रेंड्स।